हेलो मेरे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। एबीएस किचन रूम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल नई आलू गोभी की रेसिपी। फ्रेंड्स, आलू गोभी की सब्जियाँ तो आपने सर्दियों में बहुत खाई होगी। एक बार इस वीडियो में दिखाए गए मेथड से बनाकर जरूर खाइएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग कोई भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ली हूँ फूल गोभी। फ्रेंड्स, अब मैं एक कढ़ाई लूँगी, कढ़ाई में डाल ली हूँ पानी। पानी में हल्का सा नमक ऐड कर लेंगे और अब इसमें हम फूल गोभी को डाल देंगे बॉयल होने के लिए, जिससे इसमें जो जितनी भी गंदगी है वो निकल जाएगी, साथ ही इसमें जो कीड़ा मकोड़ा होगा वो भी मर जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार उबालना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे 2 मिनट के लिए उबाल लेते हैं। तो जब तक इसमें उबाल आ रहा है तो चलिए आगे की सामग्री देख लेते हैं। तो आगे मैंने लिया है आलू। देखिए फ्रेंड्स, आलू को मैंने इस तरह से काट लिया है। साथ ही ली हूँ प्याज। फ्रेंड्स देखिए, मैंने प्याज को इस तरह से काट लिया है। साथ ही ली हूँ टमाटर। टमाटर को इस तरह से काट लेना है और धनिया पत्ता। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गया है, तो चलिए लीड खोल कर देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फूलगोभी बहुत अच्छे तरीके से उबल गया है। तो चलिए पानी को छानकर फूलगोभी को अलग बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने फूलगोभी को निकाल दिया और आगे के स्टेप में मैं अब कढ़ाई ले रही हूँ। कढ़ाई में डाल लेंगे सरसों तेल। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, तेल गर्म हो गया है तो इसमें फ्राई करने के लिए फूलगोभी को डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं फूलगोभी को डाल दी और इसमें गोल्डन कलर आने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें गोल्डन कलर आ गया है, ये अच्छे से फ्राई हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे अलग बाउल में निकाल लेते हैं। मैं अलग बाउल में निकाल ली और अब इसी कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। और फ्रेंड्स, अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूं काला जीरा, साथ ही इसमें मिला ली तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च। इन सभी को डालकर चला लेंगे दोस्तों। और अब इसमें मैं मिला ले रही हूं प्याज। प्याज डालकर इसे चला लेंगे और प्याज को हल्का सा फ्राई होने देंगे दोस्तों। और अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ आलू को। आलू को डालकर चला लेंगे। और अब इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो गया है, तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू अच्छे से फ्राई हो रहा है। और अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालकर इसे चला लेंगे। और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब इसे हम चला लेंगे दोस्तों। और अब हम वापस इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो गया है, तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से ये तैयार हो रहा है। और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ रेड चिली पाउडर। और अब इसमें हम मिला लेंगे धनिया पाउडर।
और अब इसमें मैं ऐड करूंगी हल्का सा पानी और अब इसे हम चला लेंगे दोस्तों। और वापस से ढकेंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे ढक दे रही हूँ, 3 से 4 मिनट हो गया है। तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो रहा है। तो चलिए इसे एक बार चला लेते हैं। और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ टमाटर, साथ ही इसमें मिला लेंगे नमक, स्वादानुसार नमक डाल लें। नमक डालकर अब इसे हम चला लेंगे दोस्तों। और अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड की हूँ और अब इसे हम चला लेंगे। और वापस ढकेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो गया है। तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया कलर आया है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये पक रहा है। तो चलिए इसे एक बार चला लेते हैं। और अब इसमें हम मिला लेंगे फ्राई किए हुए फूल गोभी को। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारे फूल गोभी को ऐड कर लिया और इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इसे अच्छे से चला ली और अब इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गया है। तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया कलर आया है। एक बार इसे चला लेंगे दोस्तों। और अब इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर पानी ऐड कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर लिया और अब इसे हम चला लेंगे। और अब इसे हम ढकेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो गया है। तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना प्यारा पका है। और अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ गरम मसाला का पेस्ट। तो ये पेस्ट मैंने कैसे तैयार किया है ये मैं बता दे रही हूँ। जायत्री, लौंग, दालचीनी और इलायची का मैंने मिक्सी में पेस्ट तैयार बना कर लिया था पानी डालकर, उसे ही मैं यहाँ पर मिला ली हूँ। और इसे हम अच्छे से चला लेंगे। और वापस से ढकेंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गया है। तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू फूलगोभी कितना अच्छा पका है। और अब इसमें हम धनिया पत्ता डालकर इसे गार्निशिंग दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें धनिया पत्ता डाल दे रही हूँ। फ्रेंड्स, आप इस मेथड से अपने घर में आलू फूलगोभी की सब्जी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव को हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलेंगे। जब तक हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।